चिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम तो कितनी छोटी हो, इतनी मासूम हो, पर हमसे कई गुना ज्यादा समझदार हो। तुम तो चंद्रा भाभी की रग रग से पहले से ही वाकिफ हो गई थी। माफ कर दो, हाँ माफ कर दो। अब हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ अब हम तुम्हारे साथ हैं, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। हमें माफ कर देना, तुमने कहा ना, हमको माफ कर देना, कहो ना। हाँ आप पहले रोना बंद कीजिए। चंद्रा आंटी से लड़ाई करके आपका मुंह कड़वा हो गया होगा ना। रुकिए और खा लीजिए और अपना मुंह भी मीठा कर लीजिए। इससे दादी अम्मा श्रावणी ने काहे सबको बुलाया है? तुम लोग को भी बुलाया? हाँ हाँ। आओ सुन, बोलो बेटा, श्रावणी काहे बुलाया? वो हमें काम था। हमसे? हाँ, बाकी सबसे भी। बाकी लोग तो नहीं है। बंटी वीरेन जी के साथ बाहर गया है और बीना भाभी और चंद्रा भाभी सो रही हैं। हाँ, और बाबा भी मंदिर गए हैं। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, बात का ही बताओ। वो हमने ना एक पूजा रखी थी। पूजा रखी थी? कोई त्योहार बाहर है क्या? हमें ये पूजा सबके सुख शांति के लिए करवानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले सबको आ जाने दो, फिर करेंगे पूजा। सबके आने तक तो सूर्य देवता अपने घर भी चले जाएंगे। वो पूजा सूर्य देवता के रहते रहते ही करनी है। फिर क्या करें? तो ऐसा करते हैं, हम सब कर लेते हैं। हाँ चलेगा। अब एक सेकेंड रुकिए। कौन सी पूजा है भाई? अरे श्रावणी क्या कर रहे हो बेटा? वो हम ना चिट्ठी लिख रहे भगवान जी के लिए। ये हम भगवान जी के पास रख देंगे और इसमें हमने सबकी मनोकामना लिखी है। वो क्या है ना, भगवान जी को बहुत काम रहता है, इसलिए देखना वो जल्दी से चिट्ठी पढ़ लेंगे और सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। भैया ये भगवान को चिट्ठी आजकल के बच्चे भी लिखते हैं। हाँ लिखते हैं ना, ये देखो लिख तो रही है, आजकल की तो बच्ची है ये। बेटा हम भी बचपन में ऐसे ही चिट्ठियां लिखा करते थे। हाँ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। और अक्सर ना केशव भैया से लिखवाया करते थे। हाँ। उनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी थी ना। रिवा, शर्मनी, तुमने तो हम सबको बचपन की याद दिला दी। ऐसा करते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब सब अपनी आंखें बंद कीजिए। भगवान जी, पूजा में चीटिंग नहीं चलती जानते, लेकिन क्या करे, बाबा के भाई बहनों की भी प्रार्थनाएं जरूरी है ना। आज तो क्या आप हमें माफ कर देंगे इस चीटिंग के लिए? एक दिन हम सबको सच बता देंगे, लेकिन आज नहीं बता सकते। बस सबकी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद बाबा को मिल जाए, उनकी आंखें वापस से आ जाए। हमारे भाई केशव की आंखों की रोशनी आज है। शर्मनी के कारण आज एक बार फिर सारे भाई बहन एक हो गए हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन केशव के लिए सबके हाथ प्रार्थना के लिए उठे। हे भगवान, जो भी बिटिया रानी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है उसके लिए हम सबकी प्रार्थनाएं उसके साथ हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। आज इतने सालों के बाद ये चिट्ठी वाली पूजा करके मन को बड़ा अच्छा लगा, है ना? सही बात है। भगवान कसम, नाक में दम कर दिया तुम। नमस्ते। भानु बेटा, बात सुनो, आज मैं कानपुर जा रहा हूँ। मेरे एक परम मित्र हैं, वो बीमार हैं, उनको देखने के लिए। ठीक है बाबूजी, 1-2 दिन में निकलते हैं। वैसे भी जरूरी काम है और शरद हमारे साथ ही रहेगा। कल शाम को निकलते हैं। हाँ बाबूजी, 1-2 दिन रुक जाइए, साथ में चल लेंगे। अरे नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं फिर शर्मनी को ले जाता हूँ। बाबूजी, हम चलते हैं ना आपके साथ। श्रावणी तो छोटी है, कुछ तबीयत में ऊंच नीच हो गई तो हम संभाल लेंगे ना। नहीं नहीं, श्रावणी संभाल लेगी, बहुत जिम्मेदार है। बाबूजी, आप श्रावणी को लेकर जाइए। ठीक है। दादा पोती एक साथ, वो भी चुनौती पूरी होने के 3 दिन पहले। ना 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 ना, कोई बात तो है। मासूम श्रावणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए चिमारू उमंग।